ठीक है, तो फिर न्यू कंपोजिशन से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देंगे होम, बाकी सेटिंग वैसे कर देंगे 9020/1080। ओके, ठीक है, ओके कर देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कोई छोटा सा काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन यहाँ पर बन गया, और फाइल इम्पोर्ट करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे, ओके, और यहाँ पर इम्पोर्ट है, यहाँ पर फाइल है, फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसे सिलेक्ट करके और इसे इम्पोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्ट और इम्पोर्ट कर लेंगे, ओके, और यहाँ पर आकर ये लास्ट वाला लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एडिट पर लेंगे और इसको ओके करना है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो सारी फाइल यहाँ पर आ गई अपनी, ये रही फाइल, और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोजिशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी फाइल है कंपोजिशन के अंदर, ठीक है, ओके। और अभी क्या करते हैं, अपने होम पर आ जाते हैं यहाँ पर, ओके। तो इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ओके, ये आ गया, और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, वापस से कंपोजिशन के अंदर आ गए, ये सारी फाइल यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो फिश के अंदर जाएंगे, फिश के अंदर भी सारी फाइल अलग है यहाँ पर, ओके ओके, वापस आते हैं, ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं अभी, ओके, ये हो गया, वेरी गुड, ठीक है। और अभी पहले क्या करेंगे, अपने फिश को एडमिट करते हैं, ठीक है, तो कैट को यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ओके, हो गया, तो फिश को एडमिट कर लेते हैं। तो इसका जो एंकर पॉइंट है यहाँ सेंटर में देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर, ओके, ठीक है। और अभी प्रेस करेंगे आर रोटेशन, अभी प्रेस करेंगे पी पोजीशन, और शिफ्ट प्रेस करके आर, ठीक है, ये हो गया, ओके। तो यहाँ पर इसे नोट दे देते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पर नोट देंगे, ठीक है, ओके, यहाँ पर भी नोट हो गया। वापस आएंगे अपने यहाँ पर, ठीक है, और इसे रोटेट करेंगे यहाँ पर, ओके, माइनस की तरफ करना अपने को, और लेफ्ट के साइड में लेके नीचे लेंगे, ठीक है, पोजीशन, ओके। और अभी इसे कर्व भी करना होगा अपने को, ठीक है, ये यहाँ से कर्व करना रहेगा, ठीक है, यहाँ से, ओके, और यहाँ से भी ऐसा, ये ऐसा करने पे क्या होता है और मैं ये फिश जो है घूम कर जाएगी, ठीक है, ओके। और इसे ईजीज कर लेते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करके, हो गया इतना, और ग्राफ पे आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, इसे लेफ्ट राइट में ले लेंगे, ओके, ये इतना हो गया, थोड़ा प्ले करके देखते हैं, काफ़ी स्पीड है, ओके, तो नोट को थोड़ा सा आगे ले लेते हैं अपने, ठीक है, यहाँ पर, ओके, इतना ठीक रहेगा, थोड़ा प्ले करते हैं। आफ्टर पे भी क्या होता है, अपने एनिमेट करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर अपने को एनिमेट करना होता है ना, तो बार बार प्ले करके देखना होता है, ठीक है, ओके, क्योंकि कंपलसरी है प्ले करके देखना, ओके, यहाँ पर नोट देते हैं थोड़ा आगे आके, और ये जो है अपना पता है इससे क्या होगा, जर्क होगा, ये देखो यहाँ पे, तो अभी पेन टूल ले लेते हैं अपने, ठीक है, इसे हटाने के लिए पेन टूल पे लेंगे और इसे थोड़ा सा पीछे ले लेंगे यहाँ पर, ओके, अभी जर्क नहीं होगा, ठीक है, ये देखो नहीं हो रहा है, ओके, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ पर नोट देना है, ठीक है, अपने को फिश को नीचे लेना है ना रोटेट करके, ठीक है, तो इसे रोटेट कर लेते हैं यहाँ पर, ओके, इतना हो गया, और अभी इसे राइट में लेकर नीचे लेंगे, ओके, वेरी गुड। और इसे भी थोड़ा सा कर्व करना होगा अपने को, तो पेन टूल ले लेंगे अपने यहाँ से, ठीक है, ये पेन ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर इसे ये ऐसा, ठीक है, हो गया, वेरी गुड, ठीक है, इतना हो गया, देखते भी थोड़ा सा पीछे लेकर, ओके, ऐसा रहेगा। तो इसे सिलेक्ट करके अपने क्या करेंगे, ग्राफ में आ जाएंगे और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, राइट में लेंगे ऐसा, ठीक है, हो गया, प्ले करके देख लेते हैं थोड़ा सा, ओके, परफेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं, नीचे ले लेंगे,
ओके, और थोड़ा सा कर्व कर लेंगे। ओके ठीक है, आप लोग भी अपने हिसाब से करना, अच्छा ही करना, ठीक है। ओके वेरी गुड। यहाँ पर इसे निशान लगा देते हैं, मार्क कर देते हैं यहाँ से लेकर। ओके दो मार्क हो गया यहाँ पर मिडल में, और अभी इसे ऑन कर लेते हैं। ओके अब कैट की बारी है, कैट को एडमिट करेंगे, ठीक है। ओके यहाँ पर जहाँ ये टच होगा वहीं पर करना अपने को, ठीक है, ये यहाँ पर। ओके ओके पहले हैंड को कर लेते हैं। ओके पोजीशन और रोटेशन, तो इसे क्या करना होगा अपने को, रोटेशन करना होगा, ठीक है। तो पहले एंकर पॉइंट जो है उसे अपने ले लेते हैं साइड में, जहाँ से रोटेट करना है वहाँ पर एंकर पॉइंट रख लेंगे। तो यहाँ पे हाईलाइट करेंगे और इसे लेंगे यहाँ पर मिडल में एंकर पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ से इसे रोटेट करना होगा अपने को, एक नोड यहाँ पर दे देंगे, थोड़ा आगे जाएंगे अपने यहाँ पर 5 फ्रेम, ठीक है, यहाँ पर हो गया। ओके ये हो गया इतना, मिडल में आएंगे और इसे रोटेट करेंगे, ठीक है। ओके इतना ठीक रहेगा। ओके और अभी क्या करें, स्क्रिप्ट करना होगा अपने को, ठीक है, स्क्रिप्टिंग भी करना होगा अपने को। तो अभी रोटेट पे आएंगे, ऑल प्रेस करके हाँ क्लिक कर देंगे, हो गया इतना। और लूप पे जाएंगे, टाइप करेंगे लूप, सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे, हो गया इतना, वेरी गुड। देखते प्ले करके, ये परफेक्ट, ये लूप होता रहेगा इतना, ठीक है। ओके ठीक है इतना, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर। दूसरे वाले हाथ को अपने एडमिट करना है, सेलेक्ट हो गया, और वैसे ही आर प्रेस करेंगे। ओके आर प्रेस किए, और इसका एंकर पॉइंट जो है वो अपने को लेना है कॉर्नर पे, ठीक है, जहाँ से एडमिट होएगा यहाँ पर। ओके परफेक्ट, और यहाँ पर नोट देना अपने को, सेम पोजीशन पे नोट देना रहेगा अपने को, ठीक है। ओके लास्ट वाला यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर अपने आएंगे मिडल में और रोटेट करेंगे, ठीक है। ओके इसे यहाँ पे करना है रोटेट, ऊपर साइड पे जाएगा, ठीक है। ओके ये ठीक रहेगा इतना, वेरी गुड, ऐसा होगा। ओके इसे भी अपने क्या करेंगे, ऑल प्रेस करके क्लिक करेंगे और लूप दे देंगे, ठीक है, हो गया लूप, और एंटर कर देंगे, हो गया परफेक्ट। ओके ये ऐसा होगा, ठीक है। तो बहुत स्पीड दिख रहा है, तो क्या करते हैं, नोट को थोड़ा थोड़ा पीछे लेते हैं, ठीक है। ओके इतना ठीक रहेगा, वेरी गुड। ओके फिट कर लेते हैं यहाँ पर, ओके वेरी गुड, ये हो गया इतना। और अभी दुम को करते हैं, इसकी बिल्ली के दुम को करते हैं एनिमेट, ठीक है। तो इसका एंकर पॉइंट अपने को लेना होगा यहाँ पर कॉर्नर पे, ठीक है। ओके ठीक रहेगा इतना, और इसे रोटेट करना अपने को, तो आर प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक नोट देंगे आगे जाके अपने। ओके यहाँ पे नोट दिए, यहाँ पर एक नोट दे देंगे अपने, और एक लास्ट में नोट देंगे यहाँ पर। ओके मिडल में आके इन्वर्ट करना अपने को, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्ट करेंगे, इसे नीचे लेंगे, ठीक है। ओके वेरी गुड, हो गया इतना। इसे भी लूप कर देते हैं, ऑल प्रेस करके क्लिक करेंगे और लूप टाइप करेंगे, सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे, हो गया इतना ही सा काम है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ओके ये लूप होते रहेगा, वेरी गुड, ठीक है।
ओके तो इसे फिट कर लेते हैं, हो गया। तो ठीक है सारा हो गया, अभी क्या करते हैं इसे मर्ज करना है, ठीक है न्यूकॉम बनाना है। तो बिल्ली को पूरा न्यूकॉम में डाल देते हैं, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ओके पहले से यहाँ पर निशान दे देते हैं, ठीक है हो गया। और ये सारे लेयर सेलेक्ट कर लेंगे अपने। ओके ऐसा रहेगा, वेरी गुड, सारे लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। और राइट क्लिक करेंगे और प्रीकॉम कर देंगे, ठीक है। और इसका नाम दे देंगे कैट। ओके हो गया इतना, ठीक है। और अभी इसे अप एंड डाउन एनिमेट करना है, ठीक है। तो पोजीशन पी, तो पी प्रेस करेंगे पोजीशन के लिए और इसे लिंक कर देंगे यहाँ पर फिश से, ठीक है हो गया। पीछे जाएंगे देखो ऐसा होगा ये, वेरी गुड, ये ऐसा होने वाला है। ओके ठीक है हो गया। और अभी कैट के लेयर को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ओके कॉपी हो गया और यहाँ पे स्टार्ट में इसे कट कर देते हैं, ठीक है। ये कट हो गया पहला वाला, और जो मिडल वाला है दूसरा वाला उसे उसे आगे से कट कर देंगे, ठीक है हो गया। ओके और ये वाला लेयर को अनलिंक कर देंगे यहाँ से, ठीक है नन कर देते हैं। ओके ये हो गया इतना, ये साथ में आएगा और यहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसे एनिमेट करना है अपने को अप एंड डाउन का, ठीक है। ओके तो पी पोजिशन यहाँ पर एक नोट देंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है यहाँ पे एक नोट दे देते हैं अपने। और इसे थोड़ा सा नीचे लेंगे अपने, ठीक है कैट को। ओके ठीक है वेरी गुड, और इसे इजीज कर लेते हैं, ठीक है हो गया इतना। और अभी देखते हैं, ठीक है थोड़ा सा और भी एडजस्ट करना होगा अपने को, ये यहाँ पर जा रही है। ओके तो ये अपने नोट को पीछे लेना है अपने को, ठीक है ये हो गया। और इसे थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ओके वेरी गुड। अभी प्ले करके देखते हैं कैसा रहेगा, ठीक है थोड़ा सा और एडजस्ट करना होगा। ओ ठीक है थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ठीक है ये नोट को इतना ठीक रहेगा, थोड़ा सा और देख लेते पर। ओके ठीक है अभी फिर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है अभी फिश को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है हो गया कॉपी। ओके तो ठीक है, और अभी फिश को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ओके कंट्रोल डी, तो ये कॉपी हो गया और इसे पीछे लेते हैं, ठीक है यहाँ पर। ओके ये फिश यहाँ पर टच होगी और यहाँ पर इसे ऊपर लेंगे, ठीक है इतना ठीक रहेगा, वेरी गुड। और थोड़ा सा आगे जाएंगे अपने, ऐसे ही करना है आगे भी अपने को, ऐसे ही करना होगा जैसे जैसे स्टार्ट में करना है वैसे ही। ओके तो इसे इजीज कर लेते हैं और ग्राफ में आकर इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है राइट साइड में और इसे थोड़ा सा लेफ्ट। ओके परफेक्ट, वेरी गुड। सही है वापस आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा प्ले कर देखते हैं, आया नीचे गया फिर ऊपर, वेरी गुड यार सही है। ऐसे ही आगे भी करना अपने को, ठीक है थोड़ा सा आगे जाएंगे ये यहाँ पर। ओके तो यहाँ पे नोट देना होगा अपने को। ओके और ये सारे नोट अपने कहाँ कर रहे हैं, कैट पे कर रहे हैं, ठीक कैट को एडमिट कर रहे हैं अपने, ठीक है ये कॉपी कर लिए और यहाँ पे कर दिया, ठीक है हो गया वेरी गुड। अभी कैट को कॉपी कर लेते हैं, ओके इसे पीछे लेंगे थोड़ा सा। ओके यहाँ पर परफेक्ट, थोड़ा सा आगे जाते हैं यहाँ पर और कैट का यहाँ
और ये वाला नोट जो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हो गया, वेरी गुड, परफेक्ट। अभी आएंगे ग्राफ में, थोड़ा सा ऐसे सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, देखना जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसे ही करना, ठीक है। ओके परफेक्ट, सही जा रहा है, वेरी गुड। वापस आते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखेंगे अपने कैसा हो रहा है। ओके वेरी गुड, सही है यार, वेरी गुड, ठीक है। और अभी इसे नीचे लेना रहेगा कैट को, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पर, ये दोनों नोट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होगा। हो गया, इतनी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा पीछे ले लेते हैं, ठीक है। ओके परफेक्ट, वेरी गुड, थोड़ा सा और पीछे लेते हैं। ओके परफेक्ट, थोड़ा प्ले करके देखते हैं। तो अपने को ऐसे करना रहेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, नोट को कॉपी करके पेस्ट करते रहो, ठीक है, इतने ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, तो हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना, अपनों का और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए यार, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जरा सा हौसला बढ़ेगा, ठीक है। मुझे भी लगेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो फिर मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना, अपनों का और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब।